हेलो एवरीवन, वेलकम इन इग्नाइटेड मेंटोर। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरओआरओ 2023 प्रीलिम्स परीक्षा के ट्रेंड का, कि इसमें कैसा ट्रेंड रहा प्रश्नों को लेकर। ये वीडियो आज खास तौर पर उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित प्रश्नों पर है। इस बार के आरओआरओ प्रीलिम्स में 16 प्रश्न जो यूपी स्पेशल से थे और सबसे ज़्यादा कथनों पर आधारित प्रश्न इसमें देखे जा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने तैयारी के स्तर को और अच्छा कर सकते हैं इन प्रश्नों के एनालिसिस के माध्यम से। तो पहला प्रश्न कथन बेस्ड है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दूसरा है, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है, विशेष आर्थिक क्षेत्र है। अब कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। मैंने जो यहाँ पर आपको उत्तर भी बता दिया है, तो आप इस तरीके के प्रश्नों को देख के एनालिसिस करके ये समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी का लेवल क्या होना चाहिए या किस प्रकार के प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं और हमें कैसी तैयारी करनी है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये भी प्रश्न कथन से संबंधित है। मैंने पहले भी आपको बोला कि कथनों से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पहला है, यह 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया था। दूसरा है, इस आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसे भी कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर चुनना है और इसका उत्तर है केवल एक। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में उत्तर प्रदेश के चारकुला नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है ये। दूसरा है, इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएँ अपने सिर पर खड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्णा के गीतों पर नृत्य करती हैं। अब सही कूट का चयन करना है आपको। इसका उत्तर है सी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यूपी स्पेशल से विभिन्न स्तर पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। दूसरा है, गन्ने की कम उपज कम पेराई सत्र उद्योगों की असंतोषजनक अवस्था ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की हैं। इसमें आपको कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है और मैंने आपको यहाँ पे उत्तर भी बता दिया है डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित युग्मों दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश के जिले में से कौन सा एक सुमेलित है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्र से प्रश्न पूछे जा रहे हैं यूपी के, तो आपको किस हिसाब से तैयार रहना है ये आप इन प्रश्नों के आधार पर अपने आप स्वयं जज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक तरफ सूचीबंदी है दूसरी तरफ सूची दोदी है, एक तरफ एकेडमी का नाम है दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के भी प्रश्न जो है कूट मिलान के आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आप देख सकते हैं कि कथन के प्रश्न बहुत आयत हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आप सिर्फ फैक्चुअल प्रश्न नहीं रह गए हैं, तो आपका तैयारी का लेवल भी कुछ इसी प्रकार का होना चाहिए। मैं इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये इनिशिएटिव कैसा लगा। मैं आगे भी और विभिन्न विषयों के एनालिसिस लाता रहूँगा, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। मैं नीचे तक आपको स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ, बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं एक एक डिस्कस नहीं कर सकता, समय ज़्यादा हो जाएगा। आपके पास समय बहुत कम है तो आप इसे देख सकते हैं डाउनलोड करके। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और आगे अगर आप ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताएं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।